और गुजरात में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी भूपेंद्र पटेल सरकार के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के लिए गुजरात की जीत 2024 में होने वाले आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह है। अब ज्यादा जानकारी इस बारे में दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंडल। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद के तहत मुख्यमंत्री इसी जगह पर भूपेंद्र पटेल शपथ लेने वाले हैं। हमारे ठीक दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये गुजरात विधानसभा है और इसी गुजरात विधानसभा में विधानसभा की कार्रवाई होती है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायक गण बैठते हैं। और अब जो तैयारी चल रही है ये तैयारी भूपेंद्र पटेल के दोबारा ताजपोशी की चल रही है, जिसके तहत एक भव्य पंडाल बनाया गया है। इस पूरे अगर हम इलाके की बात करें तो इस पूरे पंडाल में आम लोगों के अतिरिक्त बड़े कलाकारों तक को यहाँ पे न्योता दिया गया है। और इसके साथ साथ सबसे बड़े जो अट्रैक्शन होंगे वो कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे और उनके साथ साथ मोदी कैबिनेट के कई मंत्री भी यहाँ पे होंगे, जिनमें गुजरात के मंत्री खास तौर पर शामिल होंगे। अमित शाह भी होंगे और इन सब के साथ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ पे बुलाया गया है।